मीरा भायंदर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 19 आजच्या गोविंदनगर विभागामध्ये आदरणीय मुझफ्फरजी हुसैन कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांच्या हस्ते या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि थोड्याच वेळात ते या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन सुद्धा करणार आहेत. यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मुझफ्फरजी हुसैन आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतील. जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अंकुश मालुसरे, कार्याध्यक्ष प्रमोद सावंत, स्थानीय नगरसेवक प्रमोद अनिल सावंत, राजू मेहरा, मम्मी गीता परदेसी, सारा अक्रम, माजी महापौर महिला काँग्रेस के कार्याध्यक्ष निर्मला सावले, नगरसेवक असफ शेख, ॲडव्होकेट खान, नरेंद्र जयसवाल, रिया सैयद, सेवा दल के अध्यक्ष उपाध्याय, यूपी सेल के अध्यक्ष उमेश यादव, साम सहारे, स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष मुकुल त्यागी, यहाँ पे उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने अपने ऑफिस को कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय बनाया, वो हमारी बहन नरगिस खान, सभी ब्लॉक, जिला, वार्ड, सभी सेल फ्रंटल के सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, नरगिस खान जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां पे पार्टी के लिए एक जनसंपर्क कार्यालय बनाने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने बनाया. इसके लिए जोरदार तालियां नरगिस आपा के लिए. एक पैनल में चार नगर सेवक हैं शहर में और हमारी कोशिश ये है कि हर नगर सेवक हर पैनल के इलाके में जो है एक एक जनसंपर्क कार्यालय बनाया जाए. पिछले हफ्ते हमने जैसल पार्क के अंदर एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया था. अगले हफ्ते और तीन चार जगहों पे जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा. ये शहर में बहुत सारी समस्या है. पिछले 5 साल में जो राज्य की सरकार हुई है, जो यहाँ के चुने हुए लोक प्रतिनिधि हैं, महानगर पालिका है और महानगर पालिका का प्रशासन, ये दिन ब दिन खराब होते जा रहा है. मीरा भायंदर ने जिस तरह का पानी इस मरतबा भरा, उस तरह का पानी कभी भी नहीं भरा. काशी मीरा का इलाका, घोड़बंदर का इलाका, प्लेजेंट पार्क का इलाका, विजय पार्क का इलाका, शांति नगर का इलाका, भाइंदर का इलाका, राय मोरवा मुर्दा के तरफ का इलाका, इन सब जगहों में कभी भी पानी नहीं भरता था. मगर पानी क्यों भरने लगा है? अब आप देखेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके वजह से बरसात की मात्रा बढ़ गई है, ऐसा आपको हमको लगता होगा. कुछ परसेंटेज में कंटिन्यूस रेनफॉल होती है, हाई टाइड होता है तो थोड़ा बहुत पानी हर जगह भरता है, मगर खास तौर पे जो अभी पानी भरने की मसला हो रहा है वो प्रॉब्लम है कि जो आजू बाजू में मीरा भायंदर के शहर के अंदर जो मैंग्रोव का एरिया था, जो वेटलैंड का एरिया था, जो सॉल्ट पैन का एरिया था, इसके अंदर जब आप भरनी करोगे, इसके अंदर अनधिकृत बांध काम होंगे, तब डेफिनेटली जो पानी उस वेटलैंड में रुकना चाहिए, उस वेटलैंड से जाना चाहिए या हाई टाइड का पानी उस क्षेत्र के अंदर समाविष्ट होना चाहिए. तो जब पानी को अपना ठहरने की जगह और अपने जाने की जगह बंद हो जाएगी, तब डेफिनेटली शहर में पानी लॉगिंग होगा. आप चाहे कितनी भी बड़ी गटर बना लो, कितना भी बड़े मैनहोल्स बना लो, शहर के अंदर क्या हुआ है पिछले 5 साल में आप लोग देख रहे हो कि जो एग्जिस्टिंग गटर है उसी को तोड़ी जा रही है, उसी को बनाया जा रहा है. मगर शहर के आसपास में जो इलाका है, जैसा संजय गांधी नेशनल पार्क के पास से पानी उतरता है तो वेस्टर्न होटल के पास में उसको पानी जाने का रास्ता ही नहीं बचा.
क्योंकि आगे सारी बिल्डिंगें बन गई है, भराव कर दिया है। जीसीसी क्लब के पास घुटने तक के पानी भरा हुआ था, घुटने तक पानी भरा हुआ था उस रोज। घोड़बंदर से जो पानी आता है, ऊपर से उतरता है, वो कहाँ जाएगा? वहां सारा जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपको नजर आते हैं। तो जो नेचुरल फ्लो के नाले थे वो सारे बर्नी करके वेटलैंड जो है बुझा दिया गया। राय मोरवा मुर्दे की तरफ में सॉल्ट पैंस हैं, उन सॉल्ट पैंस की जगह पे कभी भी पानी नहीं भरता है, वहां भी भराव कर दिया गया रोड बनाने के नाम पे। जो वहां के किसान हैं उनकी जमीन पे जबरदस्ती मट्टी का भराव कर दिया गया, उस वजह से वहां पर भी जो लोगों ने अपना सॉल्ट पिकाया था उसके अंदर पूरा चार चार फीट पानी घुस गया। तो ये जो समस्या है, ये समस्या लोक प्रतिनिधि को देखने की जरूरत है, महानगर पालिका को देखने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली महानगर पालिका ने भी अपनी आंख बंद कर रखी है और लोक प्रतिनिधि तो इस वेटलैंड को बुझाने में, मैंग्रोव को डिस्ट्रक्शन करने में, उसमें भी उनकी भूमिका कहीं ना कहीं नजर आती है। ऐसा टीवी, पेपर, असेंबली के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंची है। और महानगर पालिका बिल्कुल इस बात में सीरियस नहीं है। आज आपके हमारे शहर में जो पानी भरता है उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स होता है। आप जब पानी में से चल करके जाते हो तो बरसात का खाली पानी नहीं है, तो उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके परिवार में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में लोगों जो भी बरसात में इस पानी में भीगते हुए आते हैं, घुटने तक के पानी रहता है, या थोड़े भी पानी में अगर वो भीग करके आते हैं तो मेहरबानी करके वो डॉक्टर के पास जा करके उसकी जो योग्य दवाएं हैं, टैबलेट्स हैं, वो ले, क्योंकि ये बीमारी के आसार हो सकते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आज बंद करके 5 साल तैयार हो गया है, मगर उसको कनेक्ट नहीं किया गया है, उसको शुरू नहीं किया गया है। अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इस शहर का शुरू हो गया होता तो कम से कम ड्रेनेज का पानी बरसात के पानी में मिक्स नहीं होगा, कम से कम लोगों की हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा। हेल्थ के संदर्भ में भी अगर आप देखें तो म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल टेम्बा हॉस्पिटल पिछले 5 साल में 2 बार 3 बार उसको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना, उसका नामकरण करना, यही किया गया है। उसके अलावा वहां पे कोई भी प्रावधान नहीं है, वहां पे कोई भी किस्म की ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है। और आज ये पता ही नहीं कि वो म्युनिसिपैलिटी चला रही है कि स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स वहां पिछले 4 साल से ला करके, 4-5 साल से ला करके इक्विपमेंट्स की AMC CMC खत्म हो गई। करोड़ों रुपए का नुकसान ये टैक्स पेयर्स का हुआ है। ये इन सारी बातों को आपको लोगों तक के पहुंचाना होगा। ये बात आज की तारीख में कहीं भी बरसात के वक्त में जाकर के महानगर पालिका के अधिकारी, लोक प्रतिनिधि नए रोड बनाने का काम की शुरुआत कब कर रहे हैं? जब बरसात चालू हो रही है। शहर में पोर्टहोल्स इतने हो गए हैं और पोर्टहोल्स के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट खर्चा किया जाता है और उसके बावजूद शहर में के रास्तों की हालत खराब है। ये परिस्थितियां इस शहर की है। आने वाले चुनाव में आप लोगों को इन बात को गौर करना होगा कि आपके शहर के मसले हैं, आपके शहर के मसले हैं, और इन मसलों का समाधान किस तरह से होगा। तो जो लोक प्रतिनिधि आप लोग जो चुनोगे वो आपको देखना होगा कि किस लोक प्रतिनिधि ने 5 साल में क्या किया और किन लोक प्रतिनिधि ने पिछले 15-20 साल में क्या किया, ये आपको सोचना पड़ेगा और लोगों तक के इस बात को बताना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। इस प्रभाग के चारों नगर सेवकों से मेरी विनंती रहेगी कि इस कार्यालय में वो लगातार आए, यहाँ बैठे, लोगों की बातें सुने। यहाँ पर नरगिस आपा जो है, आप यहाँ बैठेंगे कंटिन्यूस, यहाँ एक बोर्ड बना के लगाइए कि नगर सेवक किस टाइम पे, किस दिन पे कौन नगर सेवक यहाँ उपलब्ध रहेगा और आप उपलब्ध रहेंगे, ताकि लोगों की समस्याएं आपको सुनने को मिले। लोगों का एक रजिस्टर यहाँ पे रखिए ताकि कौन आया, उसका क्या प्रॉब्लम था, उसका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, समझो नगर सेवक भी अगर नहीं है तो आपके पास जब आते हैं आप लिख करके रखोगे तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि इनकी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इसी का नाम होता है जनसंपर्क, वरना जनसंपर्क कार्यालय सिर्फ पार्टी का उद्घाटन हो गया, बड़ी सभा हो गई, सब लोग आ गए, भाषणबाजी हो गई और उसके बाद में वहां से कोई जनसंपर्क नहीं होगा तो उसका भी रॉन्ग मैसेज जाएगा। मैं फिर से एक मरतबा आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो आप सब लोग शॉर्ट नोटिस के ऊपर
आज इस कार्यालय के उद्घाटन पे आए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब। कैसा हो मीरा भाईंदर का आमदार, कैसा हो? मुजफ्फर हुसैन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा आमदार कैसा हो? मीरा भाईंदर का आमदार कैसा हो?